वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पिछले वीडियो तक हमने आप लोगों को सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना हमने सिखाया आप लोगों को। मतलब जितने भी नियम थे हमने सारे नियम आप लोगों को बताए। आज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कहने का मतलब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे और उससे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब मिश्रित वाक्य हमको बनाना है। अब इसके नियम को हम आप लोगों को विस्तृत रूप से डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। ध्यान से आप लोग समझिए कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जब हम मिलाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे हम बनाते हैं, क्या क्या इसके प्रोसीजर हैं, क्या क्या नियम हैं, वो आप लोग ध्यान से देखिए। तो कह रहा है दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, यही हमको सीखना है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें किस किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। देखिए तो ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बराबर होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्लास प्रिंसिपल क्लास हो गया प्लस सबऑर्डिनेट क्लास, यानी इन दो चीजों से हम क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक तो होता है प्रिंसिपल क्लास और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास का मतलब हो गया प्रमुख वाक्य, यानी जो वाक्य पूरा पूरा अर्थ अपना दे। जैसे दो तीन सेंटेंस हमको सिंपल सेंटेंस जोड़ करके बनाना है कॉम्प्लेक्स, तो उसमें एक ऐसा वाक्य हमको मिलेगा जो पूर्ण रूप से अर्थ देगा, पूरा पूरा अपना अर्थ देगा, और जो सेंटेंस रहेंगे वो आज किसी न किसी रूप में ऐसे हमको लगेंगे, ऐसे दिखाई देंगे कि ये सेंटेंस पूरे नहीं है। तो जो पूरा सेंटेंस अर्थ देगा वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास, और जो पूरा नहीं देगा वो होगा सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा, लेकिन प्रिंसिपल क्लास जो है वो एक ही आपका रहेगा। और अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लास, यानी सबऑर्डिनेट क्लास जो है इस ये जो है कितने प्रकार का होता है ये हम जान लेते हैं कि कितने प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो देखिए सबऑर्डिनेट क्लास ये होता है आपका तीन प्रकार का। अब तीन प्रकार देख लीजिए, एक तो होता है नाउन क्लास, दूसरा देखिए ये होता है एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास ये तीन क्लास होते हैं, यानी सबऑर्डिनेट में ये तीनों हमको मिल सकते हैं। तीनों के माध्यम से हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि कौन से सेंटेंस नाउन क्लास से जुड़ेंगे, कौन से एडजेक्टिव क्लास से जुड़ेंगे और कौन एडवर्ब क्लास से जुड़ेंगे। यानी ये तीनों जो है हम लिख सकते हैं, ये तीनों क्लास सबऑर्डिनेटिंग क्लास से प्रारंभ
होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लास से। और सबऑर्डिनेटिंग क्लास तीन प्रकार का होता है, यानी तीनों जो है, वही जो ऊपर हमने बताया, ये तीनों क्लास जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग क्लास से ही शुरू होते हैं। अब देखिए, सॉरी यहाँ क्लास नहीं रहे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से इन तीनों को हमें जोड़ना है, यानी जितने भी हमने तीन क्लास आप लोगों को बताए, इन तीनों क्लास को हमको किससे जोड़ना है? सबऑर्डिनेटिंग क्लास कंजक्शन से। अब देखिए, इसमें हम पहला आप लोगों को बताते हैं नाउन क्लास से जब हम जोड़ेंगे, यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक बनाना है हमको, और वो भी किससे? नाउन क्लास से। तो देखिए, हम नाउन क्लास का प्रयोग करके यानी नाउन क्लास का प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं, और सॉरी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। देखिए, अब इसमें जो है हम आप लोगों को कुछ प्रमुख नाउन क्लास को के कुछ प्रमुख कंजक्शन हम बता रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से नाउन क्लास आपका जुड़ेगा, यानी ये कंजक्शन जो है इन्हीं के माध्यम से हम नाउन क्लास को जोड़ेंगे। तो हम कंजक्शन यहां पे लिख दे रहे हैं जो नाउन क्लास से जुड़ेंगे। यानी नाउन क्लास से जुड़ने वाले कंजक्शन जो हैं, इनका जो है हिंदी में जो अर्थ होगा वो होगा आपका का। क्या निकलेगा? हिंदी अर्थ जो होगा, हिंदी अर्थ जो है क्या निकलेगा? का। यानी अगर हम नाउन क्लास से कोई भी जोड़ते हैं, कोई भी सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जोड़ते हैं, तो वो जो हम कंजक्शन लगाएंगे वो कंजक्शन अर्थ क्या देगा? का। यानी का अर्थ देगा। अब देखिए, हम जो प्रमुख कंजक्शन है जो आप लोग को जोड़ना है, वो कंजक्शन हम आप लोगों को यहाँ पे सामान्यतः लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका दैट। दैट मीन्स क्या होता है? कि। फिर देखिए इफ। इफ मीन्स क्या होता है? कि। फिर व्हाट है, अर्थ हम नहीं लिख रहे हैं, ये सिंपल वर्ड्स हैं, इनका आप लोग जान जाएंगे अर्थ। इसके बाद हु है, व्हाट मीन्स क्या होता है? देखिए यहाँ पे का अक्षर प्रारंभ हो रहा है, का की। व्हाट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या। तो क्या क्या में क्या आया? पहले का अक्षर आया, उसके बाद हु में कौन से शुरू होता है, उसके बाद हाउ, हाउ मीन्स कैसे, फिर है हुम, हुम, उसके बाद होयर, वेयर के बाद हाउ, हाउ मेनी, हाउ मेनी, और या फिर कह सकते हैं हाउ मच, हाउ मच। अब देखिए, इन सब का अर्थ का अक्षर से निकल रहा है, तो जितने भी वर्ड्स के अर्थ जो है सामान्यतः का निकलेंगे, वो समझ लीजिए नाउन क्लास है, उन्हीं कंजक्शन का प्रयोग करके हम नाउन क्लास जोड़ सकते है। तो अब देखते हैं हम कैसे जोड़ेंगे, कुछ उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो उदाहरण देखिए, कह रहा मोहन पास्ड, इट इज करेक्ट। अर्थ देखिए, मोहन पास्ड, मोहन पास हो गया, यह सही है, यह सही है। अब देखिए, इसका हिंदी जब बनाएंगे तो इसका हो गया मोहन पास्ड, इट इज करेक्ट। इसमें आप लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल हमने जो ये वर्ड्स लिखे हैं, की अर्थ वाले, का अर्थ वाले, अर्थ
जो वर्ड लिखे हैं इन्हीं को आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो आप लोग नाउन क्लास को आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे देखिए, मोहन पास्ड, मोहन पास हो गया, इट इज करेक्ट, यह सही है। अब देखिए, इसी को हम अगर हिंदी में रूपांतरित करें मिला करके तो क्या हो जाएगा, यह सही है कि मोहन पास्ड पास हो गया, यह सही है कि मोहन पास हो गया। तो यह सही है, यही तो अर्थ दे रहा है। तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हम, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। इसके बाद देखिए, की का अर्थ दे रहा ना, तो दैट, दैट मीन्स की होता है। इट इज करेक्ट दैट मोहन पास्ड, इट इज करेक्ट दैट मोहन पास्ड। तो इसी टाइप से हम अर्थ निकाल करके और इन्हीं वर्डों का किसी का प्रयोग करके जो बैठ जाएगा इसमें, जो कंजक्शन सटीक रूप से बैठेगा, अर्थ देगा, उसी को हम जो लगा करके हम दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। दूसरा देखिए, आई नो वेल, रसीद विल हेल्प मी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि रसीद मेरी मदद करेगा, रसीद मेरी मदद करेगा। तो हम लिख सकते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यही तो निकल रहा है, तो सीधा सीधा सिंपल सेंटेंस में हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम जोड़ देंगे, आई नो वेल दैट रसीद विल हेल्प मी, रसीद विल हेल्प मी, आई नो वेल दैट रसीद विल हेल्प मी। देखिए, मैं जानता हूं भली भांति, दैट दैट है, दैट रसीद विल हेल्प मी, कि रसीद मेरी मदद करेगा। मतलब हम इसकी हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे और उसके बाद इसको हम एक सेंटेंस में बनाएंगे तो हमें अपने आप वही कंजक्शन मिलेगा जो इन दोनों सेंटेंस को आपस में सही ढंग से जोड़ पाएगा। तो नाउन क्लास को जोड़ते समय हमें ध्यान रखना है इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं वर्डों को हमें ध्यान में रखना, माइंड में रखना है कि इन्हीं वर्डों में से कोई वर्ड्स इन नाउन क्लास को जोड़ देते हैं तो हम इसी में से जो अर्थ सही बैठ जाएगा, जो मीनिंग सही से दोनों को जोड़ देगी, उन्हीं का हम प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। तो आज हमने आप लोगों को बताया नाउन क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।